ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. सो अभी हम आज देखेंगे एसिड बेस बैलेंस जो है, ठीक है. तो वो हमने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है. जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है किस तरह से वैरी और कम होता है, और एसिडिक कंडीशन कौन सी होती है, ठीक है, न्यूट्रल, और जो अल्कलाइन जो है कंडीशन वो कौन सी होती है, तो ये हमने डिटेल में थोड़ा जाना था, ठीक है. इसके एग्जांपल भी मैंने दिए थे कि जो सी वाटर है, ठीक है, वो जनरली एसिडिक की तरफ जो है वो ज्यादा जाता है, उसका जो पीएच लेवल होता है वो 8 होता है, राइट. उसके बाद हम फिर जो है एसिडिक, सबसे एसिडिक जो ब्लीचिंग, ब्लीच बोलते हैं ना, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, तो वो जनरली एसिडिक में आता है. और नहीं नहीं सॉरी, जो ब्लीच वगैरह है, ठीक है, वो अल्कलाइन में आता है, और उस तरह से जो ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, गैस्ट्रिक एसिड वगैरह है, राइट, वो एसिडिक में आएगा, ठीक है. यानी पीएच लेवल उस तरह से वो कम होगा, यानी 7 से अगर कम रहा, ठीक है, तो एसिडिक, और 7 रहा तो 7 न्यूट्रल होता है, अपना जो पीने का पानी होता है, राइट, वो न्यूट्रल में आता है, और 7 से अगर बढ़ेगा, राइट, वो फिर अल्कलाइन जो है वो कहलाया जाएगा, ठीक है. जो अमोनिया सोल्यूशन वगैरह होता है, राइट, उसके बाद जो सोप का वाटर होता है, राइट, तो वो सब जो है पीएच स्केल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें आता है. सो जो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में आप भी देखेंगे, ठीक है. सो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, वो जनरली बहुत रेडियली जो है हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो डोनेट करता है, ठीक है. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, वो बहुत रेडियली, ठीक है, जो एच प्लस आयन होते हैं वो जनरली डोनेट करता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, वो बहुत हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड हम बोलते हैं, ठीक है. तो आप एसिड में भी देखोगे तो एक तो जो है एक तो डाइल्यूट होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, राइट, इस तरह से आता है. तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, ठीक है, तो वो रेडियली जो एच प्लस आयन वो डोनेट करते हैं. तो एग्जांपल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस, वेयर एज द एसिड्स इन टोमेटो जूस और विनेगर डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट एंड आर कंसिडर्ड वीक एसिड, ठीक है. सो जनरली जो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन्स जो है, ठीक है, वो रेडियली डोनेट नहीं कर पाते, ये जो जूस या फिर लेमन जूस वगैरह है उसमें जो भी एसिड रहता है, विनेगर है, ठीक है, तो वो जो है एच प्लस आयन्स जो है उसको डोनेट नहीं कर पाते, ठीक है. उसको हम इस तरह से भी कह सकते, वो दे आर नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट, ठीक है, तो इसलिए उनको वीक कहा जाता है. तो कॉन्वर्सली स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, रेडियली डोनेट्स OH माइनस आयन, ठीक है. सो जो हाइड्रोक्साइड जो है हम लास्ट में लगाते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH, ठीक है. सो तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो ये जो है कौन OH माइनस जो आयन होंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो आयन रहेगा, ठीक है, तो वो जनरली डोनेट करते हैं. OH माइनस ये जो आयन रहेंगे जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस वो डोनेट करते हैं, राइट. सो और उसके साथ में जो है हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन के साथ जो है वो वहां पे रिएक्ट होते हुए दिखाई देते हैं. यानी एक तो वो डोनेट कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन के साथ फिर से, यानी आप देखोगे ना NaOH या फिर H2O प्लस, वहां पे आगे H लिखा होता है, और फिर आगे जाके रिएक्शन जो है, ठीक है, वो प्लस वहां पे यानी H जो है वो ऐड होता है, तो H2O हो जाता है, राइट, तो इस तरह से वो रिएक्शन होती है, राइट. तो एक तो वो डोनेट कर सकता है हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है OH माइनस आयन जो है, उसको एक तो डोनेट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर हाइड्रोजन आयन के साथ जो है रिएक्ट करेगा, राइट. सो जैसे एग्जाम्पल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मेनी हाउसहोल्ड क्लीनर्स, ठीक है, जैसे लाइजॉल वगैरह हो गया, राइट,
sodium hydroxide and many household cleaners are highly basic and give up OH minus rapidly when placed in water. So the OH minus ions react with H plus in solution, creating new water molecules and lowering the amount of free H plus in the system, right? So यहाँ पे क्या होता है जो जैसे हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जो भी हाउसहोल्ड क्लीनर में अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा वो जो OH माइनस आयन होगा, राइट, तो वो क्या करेगा वाटर को रिप्लेस करता जाएगा, राइट, बेसिकली मिक्स होता जाएगा और वाटर को रिप्लेस करता जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखोगे फिनाइल वगैरह आप डालते हो, ठीक है, तो वाटर क्या होता है वो व्हाइट हो जाता है, राइट, कलर पकड़ लेता है, कलर पकड़ना यानी वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, राइट, और जो OH आयंस है, ठीक है, फिर जो वाटर में H प्लस आयन रहेंगे उसके साथ जो है वो रिएक्ट होने लगता है, राइट, तो उस सॉल्यूशन में जो भी H प्लस आयन रहेगा उसके साथ फिर वो रिएक्ट होने लगता है, ठीक है, और उससे फिर नया वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे तैयार होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे OH जो है H प्लस के साथ रिएक्ट होते जाएगा, ठीक है, उसी तरह H प्लस जो P आयन्स होंगे H प्लस के, राइट, वो वहां पे कम कम होते जाएंगे, जो हाइड्रोजन के आयन्स जो है, ठीक है, वो फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। तो उसकी तरह जो है उसका पीएच लेवल जो है वाटर का, पहले नॉर्मल वाटर था, राइट, उसके बाद सॉल्यूशन डाला, ठीक है, तो पीएच लेवल उसका बढ़ते जाएगा, राइट। सो तो अगर जैसे अगर पीक बेसिक सॉल्यूशन की बात करें एग्जाम्पल करके, ठीक है, जैसे सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर का जो मिनिमम पीएच लेवल होता है वो 8.0 होता है, 8 कंसिडर हम करते हैं, ठीक है, यानी न्यूट्रल से बहुत ज्यादा क्लोज होता है, राइट, न्यूट्रल हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। और जो इसकी वजह से ही जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वहां पे हम उनके हैबिटेट्स वहां पे दिखाई दे सकते हैं, राइट, तो जो जो जनरली मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स जो है अल्कलाइन एनवायरमेंट में जो है, ठीक है, वो जी सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एसिडिक सॉल्यूशन में वो नहीं जी सकते, राइट, तो इसकी वजह से, क्योंकि और एक तो ये भी जैसे विटामिन सी का आपने रोल देखा, राइट, इन्फेक्शन को रोकना, एंटी स्कैवेंज करता है, राइट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, राइट, विटामिन सी, सो वही है कि एक तो एसिडिक होने की वजह से जो यानी केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो, नहीं, तो एसिडिक होने की वजह से जो उस एनवायरनमेंट में जनरली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा दिन ये नहीं टिक नहीं सकते, ठीक है, फंगस वगैरह लगता है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में, पर जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो अदर एनिमल्स है, ठीक है, तो वो वहां पे जी सकते हैं मराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके साथ हमने जो है बफर्स देखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो बफर होते हैं, ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो उनको एक तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, वो बेसिकली चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर सपोज न्यूट्रल के पास में भी अगर एसिडिक रहा, ठीक है, अगर आप देखोगे कि जैसे लेमन आप हम जूस जो है वाटर में थोड़ा ऐड करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा एसिडिक तो रहता है, राइट, पर वो न्यूट्रल कहलाया जाएगा, राइट, हल्का एसिडिक रहेगा पर न्यूट्रल कहलाया जाएगा उस तरह से, ठीक है। और जो बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी ये जैसे यानी हमारा जो भी जैसे ऑरेंज जूस वगैरह, ठीक है, वो एक बेसिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, वो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होता है, राइट, जो भी जूस है या फिर बाकी का जो भी फ्लूइड, राइट, तो बफर्स आर द की, ठीक है, सो बफर्स जो है, ठीक है, वो की कहलाए जाते हैं, ठीक है, सो बफर यूजुअली कंसिस्ट वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, राइट, सो दिस एनेबल्स देम टू रेडियली एब्जॉर्ब एक्सेस एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस, कीपिंग द सिस्टम्स पीएच विद इन अ नैरो रेंज, सो मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट ब्लड पीएच इज क्रिटिकल to a person's well-being, okay, so maintaining a constant blood pH is a critical to a person's well-being, okay, so blood ka pH level jo hai
वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एसिडोसिस की कंडीशन वहां पे हम देख सकते हैं। और ये बेसिकली क्यों होता है, जब प्रोटीन जो है वो डिप्लीट होने लगता है ज्यादा अमाउंट में, राइट, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट में से निकलने वाले या फिर फैट में से निकलने वाले, राइट, तो वो जो भी कंपोनेंट्स ब्लड में उतरेंगे, राइट, तो क्या होगा, उसका लेवल जो है, पीएच लेवल जो है वो और भी एसिडिक होने लगता है, राइट, क्योंकि एक तो वहां पे सपोज जैसे फीवर की कंडीशन हम देखते हैं, राइट, फ्लूइड लॉस होता है, राइट, यानी वाटर का लॉस हो रहा है, प्रोटीन डिप्लीट हो रहा है, प्रोटीन का डिप्लीशन हो रहा है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में उतर रहे हैं, फ्लूइड कम है, राइट, तो वाटर कंटेंट है वो कम है और बाकी का कंपोनेंट्स वहां पे एंटर हो रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस है फ्लूइड जो है वो क्या करता है, वाटर बैलेंस अगर रहेगा, ठीक है, तो जो हम बोल सकते हैं कि ब्लड जो है, ठीक है, वो न्यूट्रल रहने में, ठीक है, वो हेल्प करेगा, राइट, अगर फ्लूइड ही वहां से निकलने लगेगा, ब्लड जो है और एसिडिक होता जाएगा, राइट, इस तरह से। सो मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ब्लड पीएच इज अ क्रिटिकल टू अ पर्सन्स हेल्थ। द बफर दैट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इन्वॉल्व्स कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो जनरली हमने देखा था कि बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, तो ये लीवर से निकलता है, राइट, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ब्लड पीएच, इट इज अ पीएच इज क्रिटिकल टू पर्सन्स वेलबींग। द बफर दैट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इन्वॉल्व्स कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3 का फॉर्मूला है, बाइकार्बोनेट आयन दैट इज SCO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। व्हेन बाइकार्बोनेट आयन्स कंबाइन विद फ्री हाइड्रोजन आयन्स कहाँ के, ब्लड के, ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट जो आयन्स हैं, जब वो फ्री हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ जब कंबाइन होता है, ठीक है, और तब क्या तैयार होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन आयन्स रहेंगे उनके साथ जब कंबाइन होगा, ठीक है, तो फिर उससे कार्बोनिक एसिड है वो तैयार होगा और हाइड्रोजन आयन्स जो है वो रिमूव होने लगेंगे वहां पे, राइट, तो यानी उससे क्या होगा, फिर जो पीएच लेवल होगा, ठीक है, वो मॉडरेट रहने में मदद मिलेगी, राइट, ब्लड का जो पीएच लेवल है वो मॉडरेट होने में मदद मिलेगी। सो सिमिलरली एक्सेस कार्बोनिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, अगर एक्सेस में अगर कार्बोनिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस राइट, और फिर लंग्स के थ्रू जो है वो एक्सेल होता रहेगा, राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी फ्री हाइड्रोजन आयन जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो बिल्डअप होने वाला है ब्लड में, ठीक है, उसका जो हम कह सकते हैं कि पीएच लेवल जो है उसकी वजह से, ठीक है, तो वो रिड्यूस होने लगेगा, राइट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट सिमिलरली एक्सेस कार्बोनिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एक्सहेल्ड थ्रू द लंग्स, दिस प्रिवेंट टू मेनी फ्री हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम बिल्डिंग अप इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो कम रहने में हेल्प करेगा, यानी बिल्डअप करने में जो है बिल्डअप नहीं होगा, उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पीएच लेवल है, ठीक है, वो डेंजरसली वहां पे रिड्यूस होने लगता है। सो लाइक वाइज इफ टू मच हाइड्रोक्साइड आयन इज इंट्रोड्यूस, ओएच माइनस आयन की बात कर रहे हैं हम, सो इफ too much hydrogen oxide OH minus ion is introduced into the system, carbonic acid will combine with it to create bicarbonate. Okay? So, agar suppose hydroxide jo hai, ion, right? So, wo agar system mein introduce hone lagega, okay? Tab kya hoga? Carbonic acid jo hai, okay? Wo ho sakta hai, aage jaake jo hai, combine ho, ठीक है, जो कि अरे हाइड्रोजन आयन के साथ और
उसकी वजह से बायकार्बोनेट जो है वो वहां पे तैयार हो, नहीं? जिसकी वजह से फिर पीएच लेवल है वो लोअर होते जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड है, बायकार्बोनेट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तीन बफर्स के बिना जो है ठीक है बॉडी का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी बफर्स होते हैं, ठीक है, जो भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है मेंटेन करने के लिए ये जो बफर्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, ताकि ब्लड का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। तो जनरली हम देखते हैं कि जैसे जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, तो एक तो उसमें से जो है कार्बोनेट जो है बायकार्बोनेट जो है वो निकलेगा और उसके साथ एच प्लस आयंस निकलेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, तो वो वहां पे निकलेगा। तो इस तरह से वो रिएक्शन एक्चुअली होती है। तो बफर कौन कौन से हमने देखे, सो कार्बोनिक एसिड, बायकार्बोनेट आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जिसे हम हमको पता है कि जब भी हम एसिडिटी होती है, राइट, एसिडिटी की कंडीशन हम देखते हैं तो तब क्या लेते हैं, हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, राइट। एंटासिड्स आपको पता होगा, आप लोग वो लेते हो, राइट। तो ये भी एक जो एंटासिड आप लेते हो ना, ठीक है, वो भी एक प्रकार का बफर ही कहलाता है, राइट, वो भी एक प्रकार का बफर ही कहलाता है कि जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर वहां पे बढ़ गया होगा, ठीक है, उसको कम करने का जो है काम जो है एंटासिड जो है होते हैं ना वो करते हैं, राइट। तो अगर एक्सेस स्टमक एसिड जो है अगर वो बढ़ गया होगा, नहीं, तो वहां पे एंटासिड क्या करते हैं, उसको कम करने का जो है एंड उसको प्रिवेंट करने का और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करने का काम जनरली करते हैं। तो उसके बाद में केमिकल बफर सिस्टम है, ठीक है, तो केमिकल बफर सिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे बायकार्बोनेट है, अमोनिया है, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये दोनों की जो ब्लड पीएच लेवल है, ठीक है, तो वो नैरो रेंज तक जो है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, और बेसिकली दीज आर दी टू कंपोनेंट्स, ठीक है, विच कीप्स द ब्लड लेवल्स इन नॉर्मल पीएच, राइट, और जो एक नैरो रेंज तक वो पीएच लेवल मेंटेन करके रखते हैं और जो कंपैटिबल भी होते हैं हमारी लाइफ के साथ, राइट, ऑब्वियस है पीएच लेवल कंपेयर करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, नहीं तो अगर वहाँ पे भी जो है जो एसिडिक अगर ब्लड रहा तो ऑब्वियस है हेल्थ इश्यूज वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे जो बफर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो इस हम उसको क्या कहते हैं बफर को, बेसिकली एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो जो बफर होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो जो पीएच होता है ये एसिडिटी होती है उसको स्टेबलाइज करने का काम जो है वो ये बफर्स करते हैं। जो भी लिक्विड होगा उसकी एसिडिटी जो होगी को स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा, बफर, राइट, बायकार्बोनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और पीएच भी हमने देखा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, तो यानी जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी जो मेजर करने के लिए हम टूल यूज करते हैं वो पीएच स्केल होता है, राइट, तभी तो हमको ब्लड का पीएच क्या है वो पता लगता है, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का पीएच लेवल जो है हमको पता चलता है, राइट। सो उसके बाद में एसिड बेस होमियोस्टेसिस, राइट, सो एसिड बेस होमियोस्टेसिस कंसर्न्स द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, राइट, सो जो हम हमेशा इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है, सो वो होमियोस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है जो एसिड बेस बैलेंस जो है, ठीक है,
वो वहां पे बनाए रखा जाता है, ठीक है। तो यानी होम्योस्टेसिस आपको पता है कि इट्स बेसिकली प्रोसेस, और जो भी फंक्शनिंग हमारे बॉडी में हो रही है, ठीक है, जो बैलेंस रखा जा रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक। तो जो एसिड बेस होम्योस्टेसिस है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है कि जो एसिड है और बेसिस है हमारे बॉडी में उसका प्रॉपर बैलेंस जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ठीक। या फिर हम इसको कहते हैं कि बॉडीज पीएच लेवल, ठीक है, हमारे बॉडी का पीएच लेवल हम जिसको कहते हैं वो एसिड बेस बैलेंस कहलाता है, ठीक। सो हमारी बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, अगर पीएच लेवल जो है अगर बढ़ गया उससे भी प्रॉब्लम, पीएच लेवल अगर कम हो गया उससे भी प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म जो है वो वहां पे रहता है और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और जो हमारी बॉडी जो है इंटरनली करती भी है, ठीक है। और जो आउटसाइड की हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल रेंज होती है पीएच की, ठीक है, तो वो भी वहां पे मेंटेन होती है, ठीक है। तो जनरली जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो वो जब भी डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके उससे जो भी एंजाइम्स रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो एबिलिटी है फंक्शन करने की, ठीक है, तो वो वहां पे लूज होने लगती है, ठीक है। अगर अगर आउटसाइड अगर हम देखें पीएच लेवल अगर जो है एक्सेप्टेबल लेवल से भी बढ़ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एंजाइम्स होंगे जो डाइजेस्ट प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, राइट, तो वो उनकी डेथ भी हो सकती है उन एंजाइम्स की, राइट, इस पीएच लेवल की वजह से, ठीक है। तो वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके बाद में बफर सोल्यूशन, तो अ बफर सोल्यूशन इज एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, राइट। सो बफर सोल्यूशन क्या होता है, ये एक एक्वियस सोल्यूशन होता है वीक एसिड का और इसके साथ में कॉन्जुगेट जो बेस होगा उसका, राइट, और अ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, राइट। सो इट ये चेंजेस वेरी लिटिल व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज एडेड टू इट। बफर सोल्यूशंस आर यूज्ड एज अ मींस ऑफ keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications. So, the buffer solutions होते हैं, ठीक है, तो obvious है वो किस लिए यूज किए जाएंगे, pH level जो है वो maintain रखने के लिए, ठीक है। तो जो भी different different chemical applications होंगी, ठीक है, वहां पे इसका बहुत use किया जाता है ताकि जो value है ये वो कांस्टेंट रहे, यानी जैसे हम देखते हैं ना कि एसिड बनाना है, राइट, या उसको कॉन्सेंट्रेट या फिर डाइल्यूट बनाना है, तो पीएच लेवल जो है वो ही होता है वहां पे, राइट, वो बफर सॉल्यूशन के थ्रू जो है वहां पे वो रिएक्शन प्रोसेस होती है, वो केमिकल एप्लीकेशन जिसके कहते हैं ना वो। सो मेनी लाइफ फॉर्म्स थ्राइव ओनली इन अ रिलेटिवली स्मॉल पीएच रेंज, सो दे यूटिलाइज अ बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच। One example of buffer solution found in a nature is the blood, right? So, जो हमारी body है, ठीक है, तो वहाँ पे जो blood होता है, ठीक है, so उसका pH level जो है, ठीक है, तो वो maintain properly वहाँ पे होता है, right? अगर body fever की infectious अगर condition में, ठीक है, अगर वहाँ पे weight lose हो रहा है, ज़्यादा जो storage है, वो deplete हो रहा है, तो फिर हो सकता है वहाँ पे जो है ब्लड का पीएच लेवल जो है वो बढ़ने लगे, क्योंकि वहां पे बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो एक्युमुलेट होने लगे। तो एक अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे बताया कि पीएच रेंज जो है जो मेंटेन होता है यानी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, तो हमारा ब्लड का ही होता है नेचुरली जो यानी हमारे बॉडी में रहता है। The body's acid-base balance is normally tightly regulated, keeping the arterial blood pH between 7.38 and 7.4. जो arterial blood pH होता है, ठीक है, तो वो 7.38 and 7.42 के बीच में ही होता है। So several buffering agents that reversibly bind hydrogen ions and impaired any change in pH exists. Extracellular buffers
include bicarbonate and ammonia, whereas proteins and phosphates act as an intracellular buffers. ये बफर्स बहुत सारे प्रकार के हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो बोला गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर बफर जो है, ठीक है, उसमें जनरली बाइकार्बोनेट और अमोनिया रहता है, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर बफर जो है, ठीक है, वो प्रोटीन एंड फॉस्फेट. तो जो बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है स्पेशली एक की मानी जाती है, ठीक है. सो द बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम इज स्पेशली की एज सर्टन सॉरी एज अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 can be shifted through carbonic acid to a hydrogen ion and bicarbonate. Okay? So, yani jaise H2CO3 ho gaya. H2CO3, ye carbonic acid ho gaya. Okay? So, ye phir hydrogen ion mein, okay, aur bicarbonate mein convert hoga. Aur ye reversible reaction hoti hai. Okay? So, jaise agar aap dekhoge ki H2O ho gaya, okay, H2O plus carbon dioxide ho gaya, CO2, कि ये जब मिलते हैं तब क्या तैयार होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, राइट. और उसके बाद में जो H2CO3 है, ठीक है, अगर वो फिर से वहां पे डिप्लीट हो रहा है या फिर जो है कन्वर्ट हो रहा है, वो किस किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिक एसिड H प्लस में, ठीक है, प्लस CO3 माइनस, ठीक है, इस तरह से, यानी बाइकार्बोनेट में वो कन्वर्ट होने लगेगा, इस तरह से वो कन्वर्जन होता है. तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. सो एसिड बेस इंबैलेंसेस दैट ओवरकम द बफर सिस्टम कैन बी कॉम्पनसेटेड इन द शॉर्ट टर्म बाय चेंजिंग द रेट ऑफ वेंटिलेशन. दिस अल्टर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड शिफ्ट द अबोव रिएक्शन अकॉर्डिंग टू जो भी एक प्रिंसिपल्स है केमिस्ट्री के, राइट, या फिर जो ले शेल्टर को ली शैटर्स प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है. तो वहां पे जो पीएच है उसमें अल्टरेशन दिखाई देते हैं, राइट. तो अगर रीनल फिजियोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी आपको बाद में है, ठीक है, पर यहाँ पे एक तो एसिड बेस बैलन का हम ये देख रहे हैं, ठीक है, तो किडनी जो है, ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ. तो रीनल फिजियोलॉजी की अगर बात करें, सो जनरली जो किडनीज होती है, ठीक है, दे दीज आर स्लोअर टू कॉम्पनसेट, बट रीनल फिजियोलॉजी हैज सेवरल पावरफुल मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल पीएच बाय द एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस एसिड और बेस, राइट. सो इन रिस्पॉन्स टू एसिडोसिस द ट्यूबुलर सेल्स री एब्जॉर्ब मोर बाइकार्बोनेट फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड द कलेक्टिंग डक्ट सेल्स क्रिएट सॉरी सीक्रेट more hydrogen and generate more bicarbonate and aminogenesis leads to an increase of NH3 buffer. ठीक है, तो जो अमोनिया बफर जो है वो वहां पे इंक्रीज होने लगता है. तो इन इट्स रिस्पॉन्स टू अल्कोलोसिस किडनीज मे एक्सक्रीट मोर बाइकार्बोनेट. ठीक है, सो अल्कोलोसिस में क्या होता है, किडनी है वो ज्यादा बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट करती है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एसिडोसिस में, ठीक है, एसिडोसिस में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वो क्या होगा, री एब्जॉर्ब होगा ट्यूबुलर सेल्स जो है उसमें, राइट, जो भी ट्यूबुलर फ्लूइड है उसमें से री एब्जॉर्ब होने लगेगा इस तरह से. उसके बाद में हाँ, सो इन द रिस्पॉन्सेस टू अल्कोलोसिस द किडनीज में एक्सक्रीट मोर बाइकार्बोनेट बाय डिक्रीजिंग हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन फ्रॉम ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एंड द लोअर रेट्स ऑफ ग्लूटामाइन मेटाबॉलिज्म एंड अमोनियम एक्सक्रीशन. तो जैसे आप सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कोई एसिड होगा, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पीएच लेवल जिसका बहुत कम होगा, सबसे ज्यादा कम होता है, ठीक है, वो कौन सा एसिड होता है, कोई बता सकता है, आपने 12वीं तक केमिस्ट्री पढ़ी है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड.
नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, बैटरी एसिड जो बोलते हैं ना, आपने एसिड अटैक के केसेस देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो मोटरसाइकिल में एसिड रहता है ना, वो फेंका जाता है, वो बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरे यानी जनरली वो जो भी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, उसको तक के जो है गला देता है, इतनी यानी इतना एसिडिक होता है वो, यानी जीरो उसका पीएच लेवल जो होता है ना, वो जीरो होता है, जीरो, इतना एसिडिक कहा जाता है वो, H2SO4 जिसको आप कहते हो, फैट में। बाइक हाँ बोलिए ना। में रहता है या ट्रक में? ट्रक्स में हाँ रहता है ना? हाँ एक्चुअली बैटरीज में होता है, बैटरी, हाँ, ट्रक के बैटरीज में। हाँ ट्रक के बैटरी में भी होता है कभी कभी, मोटरसाइकिल जो होते थे ना पुराने, अभी तो नहीं है, ठीक है, अभी तो जो है उनकी जो इंजन ही रहता है, पहले की जो ये होती थी मोटरसाइकिल्स वगैरह, उसमें भी पाया, अभी के पता नहीं, पर पहले की इसमें बैटरीज में होता था, उसमें भी रहता होगा, अभी के नए नए इसमें भी, तो उसमें पाया जाता है, ट्रक में तो पाया जाता है, ट्रक की बैटरीज में। हम फ्लोरो सल्फरिक होता है ना? क्या क्या? हम फ्लोरो सल्फरिक। हाँ, वो कॉन्सेंट्रेटेड ही फॉर्म कहलाया जाता है, इसलिए तो यानी इतना ये होते, यानी आप देखोगे कार में भी होता है रे, उसमें वो वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, नहीं तो एकदम से वो क्या बोलते हैं, वैसे जलने लगती है वो वायरिंग। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ H+ बाय द लंग्स, सो एसिड बेस इम्बैलेंस जो है, ठीक है, ब्लड का, अरे सॉरी रीनल, हाँ रीनल की जगह जो देखी हमने, नहीं सॉरी, हाँ, रीनल हमने देख लिया, उसके बाद जो लंग्स के थ्रू जो है वो हम देखेंगे, सो रेगुलेशन ऑफ H+ बाय द लंग्स, सो एसिड बेस इम्बैलेंसेस इन द ब्लड पीएच कैन बी अल्टर्ड बाय द चेंजेस इन ब्रीदिंग टू एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेज पीएच बैक टू नॉर्मल, ठीक है, यानी जो लंग्स है, ठीक है, सो उसके थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है हमारे बॉडी का पीएच लेवल जो है कार्बन अमाउंट में रहता है, इसलिए जो है हमेशा हमको हमेशा हमारे ब्रीदिंग में हमेशा काम करना चाहिए, ठीक है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, आप अगर मेडिटेशन में बैठते हो या फिर योगासना करते हो तभी आपको जो है ब्रीदिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं ये पता लगता है, अभी आप बात करते हो, ठीक है, तो आप अगर ऑब्जर्व कर पाओ तो करो, ठीक है, अगर आप बात बात करते हो या फिर कुछ काम करते हो, ठीक है, आप एकदम आपको नहीं ध्यान, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप ब्रीदिंग भी प्रॉपर नहीं लेते, बोलते वक्त भी आप ब्रीदिंग कब प्रॉपर लेते हो, जब बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से जो है, ठीक है, आप उसके ऊपर पूरा फोकस जब करते हो तभी आपको पता चलता है कि नहीं हम इनहेल कर रहे हैं एक्सहेल कर रहे हैं, और आप वो खुद से करने लगते हो, माइंड आपका सेट हो जाता है कि नहीं अभी हमको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ठीक है, पर आप रेगुलर देखो कि कितना ऑक्सीजन आप कम लेते हो, यानी हम बहुत कम ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं, हमको पता ही नहीं लगता, हम बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है, हमको पता ही नहीं लगता हाँ कितना यानी रेगुलरली हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, वो तो ऑक्सीजन जो है ऑब्वियस एनवायरनमेंट में है, इससे ही हम हमारी लाइफ जो चल रही है, ठीक है, पर आप देखोगे कि अच्छी तरीके से ब्रीदिंग जो है हम नहीं कर पाते, ऑब्जर्व करना आप, ठीक है, ध्यान भी नहीं आता हाँ सच में हम ब्रीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, होता तो है, ठीक है, पर हम उतना ही ये नहीं कर सकते, पर जब हम एक हम मेडिटेशन या फिर एक अकेले बैठे हैं, ठीक है, और खुद में ही देखिए, फिर वो जो नेचुरल ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग होगी वो आपको समझ में आएगी कि नहीं कितने अमाउंट में हमको ऑक्सीजन जो है लेना है, कितना ब्रीद आउट करना है, तो इसलिए बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन हम बॉडी में ले पाते हैं, जो भी फूड आइटम्स वगैरह है, ठीक है, तो उसमें से वो फिर हाइड्रोजन आयन जो है वो वहां पे मिलते हैं, तो जो रेगुलेशन है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, तो लंग्स के थ्रू, ठीक है, तो जनरली जो एसिड बेस इम्बैलेंस है, ठीक है, हमारे ब्लड का, ठीक है, तो वो
जो हम बोल सकते हैं कि अल्टर्ड कब हो सकता है, इसका दूसरा कारण क्या है कि लंग्स की वजह से, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में वहां पे एक्सहेल ना करें, ठीक है, तो अगर ब्रीदिंग में अगर चेंज आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है पीएच लेवल में भी फर्क आ सकता है, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, राइट। सो एसिडिटी इंबैलेंसेस ऑकर व्हेन अ सिग्निफिकेंट इंसल्ट कॉजेस द ब्लड पीएच शिफ्ट आउट ऑफ इट्स नॉर्मल रेंज एंड इन एन एक्सेस ऑफ एसिड इन द ब्लड इज कॉल्ड एसिडिमिया। तो जो बोल सकते हैं कि ब्लड में अगर एसिड का लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है, उसको एसिडिमिया कहते हैं, एसिड एनिया, एनिया मीन्स ब्लड, ब्लड में एसिड का होना। So and an excess of base is called alkalemia, right? And excess acid हो गया तो acidemia, और excess जो है alkaline अगर हो गया, ठीक है, alkal या फिर तो base हम कहते हैं, ठीक है, so अगर alkali blood में जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है, तो वो alkalemia उसको कहा जाता है। So the process that causes the imbalance is classified based on the etiology of the disturbance, यानी कारण है, क्योंकि उसके हिसाब से ही जो हम कह सकते हैं कि disturbances का जो टाइप है वो किस तरह का होगा, right? So the process that causes the imbalance is classified based on the etiology of the disturbance, that is respiratory or metabolic, right? Respiratory या फिर metabolic, यानी respiratory यानी lungs के थ्रू exhale कर रहे हैं हम carbon dioxide normal way में, तो अगर उसमें इंबैलेंस हो गया तो रेस्पिरेटरी हो गया, और मेटाबॉलिक यानी अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ने लग गया, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ने लगा वहाँ ब्लड जो है वो एसिडिक वहाँ पे हो सकता है। तो ये दो हम बोल सकते हैं कि क्लासिफाई किए गए, बेसिकली एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, उसके बाद में अल्कोलोसिस हमने देखा, तो फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, यानी दो टाइप है, एसिडोसिस और अल्कोलोसिस, उसमें भी एक तो मेटाबॉलिक हो सकता है या फिर वो रेस्पिरेटरी हो सकता है, राइट। सो देयर आर फोर बेसिक प्रोसेसेस एंड वन और अ कॉम्बिनेशन मे ऑकर एट एनी गिवन टाइम, राइट। सो एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस या फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, राइट। सो यानी एच प्लस आयन। सो एक तो टिश्यूज के बीच में और लंग्स में, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है, उसके ब्लड जो है वो कैरी होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, टिश्यूज में है या फिर लंग्स में, ठीक है। तो इसमें से जो मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, ऑब्वियस है ब्लड में, ठीक है, और ब्लड जो है उसमें फिर जो ब्लड जो है वो फिर प्लाज्मा जो होगा, ठीक है, उसमें फिर डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, तो वो मेजॉरिटी जो है, ठीक है, कहाँ पे होगा ट्रांसपोर्ट, तो वो ब्लड में होगा या फिर डिसॉल्व जो है, ठीक है, वो प्लाज्मा में होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, ब्लड में, और फिर डिसॉल्व कहाँ होगा, प्लाज्मा में। यानी हम बोल सकते हैं कि 60% जो है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे डिसॉल्व होता है, ठीक है। सो अ स्मॉलर फ्रैक्शन इज ट्रांसपोर्टेड इन रेड ब्लड सेल्स दैट कंबाइन विद द ग्लोबिन पार्टिकल। हीमोग्लोबिन आपको पता है ना, ठीक है, उसमें का जो ग्लोबिन पोर्शन रहेगा हीमोग्लोबिन का, ठीक है, उसके साथ जो है वो कंबाइन होगा। तो यानी उसको हम जनरली कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जब कंबाइन होता है, जब जो कंपोनेंट तैयार होता है, ठीक है, तो उसको कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल पोर्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, कौन सा, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जिसको कहा जाता है। तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन
is the chemical portion of red blood cells that aids in the transport of oxygen and nutrients around the body, right? So, but this time it is carbon dioxide that is transported back to the lung. Okay? So, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कार्बो अमाइनोग्लोबिन है, ठीक है, सो ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल का पोर्शन होता है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी ऑक्सीजन है या फिर न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने में हम जो बॉडी में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है. पर इसी वक्त जो है, जब वो काम कर रहा होता है, तो ट्रांसपोर्ट जब कर रहा होता है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में, ठीक है, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसी समय जब ये बाकी जगह जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो कहाँ पे, लंग्स में जो है, ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, यानी लंग्स में से वो एक्सहेल हो रहा है, फिर से जो इंटरनली जो प्रोसेस हो रही है, ठीक, उसमें से फिर लंग्स में फिर से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक. Acid base imbalances that overcome the buffer system can be compensated in the short term by changing the rate of ventilation. So this alters the concentration of carbon dioxide in the blood, shifting the above reaction. यानी जो मैंने बोला कि तो red blood cells जो है, ठीक है, तो वो किसके साथ combine होते हैं, जो globin portion होता है उसके साथ, जो हीमोग्लोबिन का पोर्शन होता है, ठीक है, और फिर कार्बन अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है वो स्टार बनने लगता है. तो ये जो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें अल्टरेशंस वहां पे आ सकती है. सो दिस अल्टर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, शिफ्टिंग द अबो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ले चैटनर्स प्रिंसिपल, विच इन टर्न अल्टर्स द पीएच. The basic reaction governed by this principle is as follows. So H2O plus CO2 equals to carbonic acid, जैसे मैंने बताया, right? और उसमें से फिर H plus ions और CO3 ions जो है वो भी वहां पे separate होने लगे, यानी उसमें से कार्बोनिक एसिड तैयार भी होगा, और जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन और जो CO3- ion जो है उसमें कन्वर्ट भी होगा. So when the blood pH drops to low, so acidemia kahenge, right? So when the blood pH drops low, that is acidemia, the body compensates by increasing breathing to expel more CO2. So this shifts the above reaction to the left, such that less hydrogen ions are seen. Thus the pH will rise back to normal for alkalemia. Opposite, right? यहाँ पे जो है हमने जो एसिड बफर जो थे, ठीक है, वो देखे, ठीक है, उसके साथ में उनका रोल जो है वो लंग्स के थ्रू और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसकी वजह से जो पीएच लेवल होता है हमारे ब्लड का, ठीक है, वो किस तरह से अल्टर होता है, राइट, वो हमने देखा, जहाँ पे रेस्पिरेटरी इसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होता है, ठीक है, और उस तरह से पीएच लेवल हमारा हमारे बॉडी का ब्लड का मेंटेन होता है, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जो है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन है वो वहाँ पे मेंटेन होता है, और किडनी और लंग्स में जो है ये रिस्पॉन्सिबल जनरली होते हैं, राइट, जो पीएच लेवल है वो मेंटेन करने के. उसके बाद जो रोल होता है किडनी का एसिड बेस बैलेंस में, ठीक है, तो वो हम कल देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी में दूसरा भी लेक्चर है, ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, थैंक यू सो मच.